तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी, आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों हाजिर हूं आपके लिए बैक टू बैक कहानियां लेकर, बस आप यूं ही प्यार बनाए रखें। यकीन कीजिएगा आज की कहानियां आपको बेहद पसंद आने वाली है। बस अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं और पहली बार ही मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो कहानियां सुनने से पहले जल्दी से आप मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन भी ऑल पे कर लीजिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं, तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आपको वहीं मिलूंगा। बस दोस्तों बिना देरी किए अब जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाए और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। हेलो दोस्तों, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ वो मेरे कजन भाई ने मुझे सुनाई थी। दोस्तों ये बात लॉकडाउन के समय की है, जब सभी लोग अपने घरों के अंदर ही रहते थे। ठीक उन दिनों अपने घर में रहते हुए भी वो सभी काफी बोर हो रहे थे, तो मेरा कजन जिसका नाम अरमान है, उसके कुछ दोस्त थे जिनका नाम आकाश, मेराज, शुभम और सुलेमान है। ये सभी एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे, वो हर रोज ग्रुप चैटिंग करते थे। एक दिन उन सबने मिलकर ये प्लान बनाया कि हम लोग कहीं घूम कर आते हैं। अरमान ने कहा कि चलो गांव चलते हैं, तो शुभम ने कहा कि मेरे मामा जी के घर चलते हैं, वहां नाना नानी जी और मामा जी ही रहते हैं और उनके घर के आसपास घूमने की बहुत सारी जगह है। इसके बाद सभी ने हामी भर दी, सभी ने अपना अपना सामान पैक किया और अपने अपने घरों से निकल गए। इसके बाद सब लोग शुभम के नानी के घर पर पहुंच गए। उसकी नानी ने सबको अच्छे से रहने के लिए एक कमरा दिया था और वो लोग उस दिन जब वहां पहुंचे थे तो सभी लोग सफर से काफी थक गए थे। उस दिन रात भी काफी हो चुकी थी, तो लोगों ने जल्दी से खाना खाया और चुपचाप सो गए ताकि वो अगले दिन भर बाहर घूम सके। वो लोग दूसरे दिन सुबह जल्दी से नाश्ता करके गांव घूमने के लिए निकल गए। दिन भर उन लोगों ने खूब मस्ती की और वहां पर एक नदी थी, उसमें भी नहाया। दिन का खाना खाने के लिए जब उनके मामा जी ने उन्हें बुलाया तो मेराज बोलने लगा कि भाई शुभम, आज अपनी नानी से मुर्गा बनवा, मेरा काफी मन कर रहा है मुर्गा खाने का। शुभम ने कहा ठीक है, तुम लोग सब घर पर जाओ, मैं मुर्गा लेकर आता हूं। शुभम के नानी के घर के पास ही एक घर था, उनके यहां मुर्गा बकरियां पाली हुई थी, वो उन्हें काटकर गांव में बेचते थे। तो शुभम ने जाकर उनसे बोला कि चाचा जी एक मुर्गा दे दो, और कितने पैसे लोगे? तो चाचा ने कहा मुर्गा तो दे देंगे, लेकिन काटना तुम्हें ही पड़ेगा, क्योंकि आज अमावस्या की रात है, तो मैं मुर्गा नहीं काटूंगा। आज मुर्गा काटने का मतलब है बुरी शक्तियों को बुलावा देना, और अगर तुम्हें काटना है तो उसके पैर वगैरह दूर जाकर फेंक देना, वरना तुम सभी लोग मुसीबत में पड़ सकते हो। वैसे तुम मेरी बात मानो तो आज रहने ही दो, कल ले लेना, कल मैं तुम्हें काट कर भी दे दूंगा। दोस्तों लेकिन शुभम को तो मेराज को खिलाना ही था और उसने उससे वादा भी किया था। बस यही सोचकर उसने वहां से मुर्गा ले लिया। घर पर आकर उसने अपनी नानी जी से कहा कि नानी आज मुर्गा बना दो, हम सभी की इच्छा है आज मुर्गा खाने की। दोस्तों वैसे नानी जी के वहां एक औरत काम करने आती थी, उस औरत ने नानी जी से कहा कि अम्मा लाओ मैं बना देती हूँ। दूसरी तरफ मेरे कजन के दोस्तों ने कहा कि चलो जब तक मुर्गा बनता है तब तक हम लोग नदी में जाकर नहा आते हैं, वहां बहुत मजा आएगा। लेकिन शाम का समय होने की वजह से बाकी के दोस्तों ने शुभम से कहा कि अरे अभी तो रात होने वाली है और हम लोग रात में नहीं जाएंगे, कल सुबह चले जाएंगे। पर शुभम ने कहा कि अरे यार तुम सब डरो मत, यहाँ सब कुछ ठीक है। उसकी ये बातें सुनकर बाकी लोग मान गए और नहाने के लिए नदी में चले गए। जब वो नदी में नहाने लगे तो कुछ ही समय हुआ था कि अचानक ही किसी ने शुभम का पैर नीचे नदी की तरफ खींच लिया। ये देखते ही अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया, तब जाकर शुभम पानी से बाहर आया। फिर अरमान ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, तो उसने जवाब दिया कि भाई मुझे किसी ने पानी के अंदर से खींचा। तो मेराज बोलने लगा कि भाई डरा मत। आकाश ने बोला भाई चलो अब यहाँ मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है। दोस्तों उन सभी में सुलेमान पहले तो शांत था, लेकिन कुछ देर बाद उसने पानी में कुछ पड़ के फेंका, फिर उसने कहा कि अब सब ठीक है। सभी लोग उसकी बात सुन के कुछ जवाब देते कि उससे पहले ही शुभम बोल पड़ा
कि भाई मेरे डर के कारण हाथ पैर कांप रहे हैं, तुम सब प्लीज यहां से जल्दी चलो। इसके बाद सब लोग वापस घर आ गए। घर आने के बाद शुभम ने कहा कि भाई मैंने मुर्गे को साफ करके उसकी गंदगी नदी में फेंकी थी, कहीं ये उसकी वजह से तो नहीं हुआ, क्योंकि चाचा जी ने भी बोला था कि आज मुर्गा मत बनवाओ। लेकिन मेराज कहने लगा कि अरे तुम लोग बस यूं ही डरते रहते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके कुछ देर बाद शुभम ने अपनी नानी से पूछा कि नानी मुर्गा बन गया हो तो खाना पैक कर दो, हम लोग बाहर आम के बाग में जाकर खाएंगे। दोस्तों वैसे उस वक्त शुभम के आम के बाग में खूब आम आए थे, तो उनकी रखवाली के लिए भी उसने सोचा कि आज मामा के साथ वो सभी लोग भी बाग में ही रुकेंगे और खाना खाकर आराम से आम भी खाएंगे। थोड़ी ही देर बाद नानी ने कहा कि खाना पैक कर दिया है, अपना टिफिन ले जाओ। इसके बाद सभी खाना लेकर जाने लगे कि तभी सुलेमान ने कहा कि भाई तुम लोग खाना यहीं पर खा लो, इसके बाद चलते हैं। तो मेराज बोल पड़ा कि भाई मीठे आम के साथ मजे से खाएंगे, लेकिन सुलेमान ने फिर कहा कि खाना बाहर मत ले जाओ। पर मेराज कहां मानने वाला था, उसने कहा कि भाई एक तो तू ये खाता भी नहीं है, ऊपर से हमें भी मजा नहीं लेने देता। दोस्तों आपको बता दूं कि सुलेमान ये मांस मच्छी नहीं खाता था, तो उसने अपने लिए दाल बनवाई थी। सुलेमान ने अपना खाना खाके वो सब निकल ही रहे थे कि तभी अचानक से उसके मामा जी को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत उठ के चले गए और बोले कि लड़को तुम लोगों ने कुछ सुना? तो सभी ने जवाब दिया कि नहीं। फिर सभी के सभी अपनी बातों में लग गए थे। बात करते हुए काफी समय हो गया था कि आकाश ने कहा कि भाई मुझे जोर से टॉयलेट लगी है, मैं बाथरूम जाकर आता हूँ। इतना कहकर वो बाथरूम की तरफ चला गया, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी जब वो वापस नहीं आया तो शुभम ने कहा कि भाई ये आकाश कहाँ रह गया। सब लोगों ने मामा जी से कहा कि चलिए मामा देख कर आते हैं कि आखिर आकाश कहाँ रह गया है। इसके बाद वो सभी मिलकर आकाश को इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन उन लोगों को आकाश कहीं भी नहीं मिला। तो फिर सब ने उसे काफी आवाजें लगाई, परंतु उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तब अरमान ने कहा कि कहीं आकाश घर तो नहीं चला गया, चलो हम सब घर पर देख के आते हैं। जब सभी लोग घर पर गए तो वो वहां पर भी नहीं था। सभी लोग परेशान हो गए थे कि तभी अचानक से सुलेमान ने कुछ मंत्र से पढ़े और अपनी आंखें बंद करके कहा कि ये जो सामने पलंग रखी है उसे हटाओ। जब सबने वो पलंग हटाई तो देखा कि उसके नीचे की जमीन खोदी हुई सी लग रही थी, जैसे कि अभी अभी किसी ने उस जमीन को खोदकर वापस से बंद किया हो। फिर उन लोगों ने जल्दी से अपने हाथों से उस जमीन की मिट्टी को हटाया तो पाया कि उसके नीचे तो सच में आकाश है। सबने उसे तुरंत बाहर निकाला, नब्ज चेक की तो वो बेहोश था। ये सब देखकर सभी लोग बेहद डर गए थे। इसके बाद शुभम के मामा जी ने जल्दी से आकाश को उठाया और घर पर लेकर गए। जब उसे होश आया तो उसने जो बताया वो सुनकर बाकी के लोग भी एकदम सुन्न पड़ गए। उसने बताया कि उस जगह पर एक काला सा और लंबा सा साया था जिसकी आंखें एकदम लाल थी, वो खड़ा हुआ था। उसने उसे देखकर एकदम से उसका गला पकड़ लिया और हवा में उठा दिया, जिसकी वजह से वो सांस तक नहीं ले पा रहा था। इसके बाद कब वो बेहोश हो गया उसे पता ही नहीं चला। इसी कारण वो किसी को भी अपनी मदद के लिए पुकार भी ना सका। दोस्तों इसके बाद उसे समझा बुझाकर सुला दिया गया, लेकिन उन लोगों ने उसे ये नहीं बताया था कि वो आधे घंटे के बाद जमीन के नीचे से मिला है। सबके सब काफी डरे हुए थे। इसके ठीक अगले दिन सभी लोग अपने अपने घर वापस जाना चाहते थे, लेकिन आकाश को काफी तेज बुखार आ गया था, जिसकी वजह से उन सभी को वहां पर रुकना पड़ा, क्योंकि वापस जाकर उसके माता पिता को क्या बताते। इसीलिए उन्होंने वही गांव में ही सही होने तक रुकना ही ठीक समझा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अभी उनके साथ और भी कुछ होने वाला है। ठीक उसी रात जो हुआ वो तो उससे भी भयानक था। रात को जब सब सो रहे थे तब वही लंबा सा आदमी उनके कमरे के बाहर जो पेड़ लगा हुआ था उस पर बैठकर अपने पैरों से कमरे की खिड़की खटखटा रहा था। दरअसल दोस्तों उन लोगों का कमरा सेकंड फ्लोर पर था और ठीक घर के बाहर एक नीम का पेड़ था जिसकी डालियां कमरे की बैलकोनी तक आती थी। जब वो खिड़की खटखटा रहा था तो सबकी नींद खुल गई थी, पर जैसे ही उन लोगों ने खिड़की खोली तो उन सबके होश उड़ गए थे। सब लोग उसे देखकर एकदम से डर गए, लेकिन उन सब में सिर्फ
सुलेमान ही नॉर्मल खड़ा था और ठीक वो आदमी सुलेमान की तरफ देखकर बोला कि तूने ही कल मेरा सारा खेल बिगाड़ा था, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो पेड़ से कूदकर कमरे में आ गया। उसने जैसे ही सुलेमान को चाहा कि गर्दन से उठा लूं, वैसे ही तुरंत सुलेमान ने उसका हाथ उल्टा पकड़ के उसको इतनी तेज धक्का दिया कि वो सीधा बाहर जाकर गिरा। इसकी वजह से उस पेड़ की एक डाली भी टूट गई थी। उस डाली के गिरने की आवाज से शुभम के मामा और नानी सब जाग गए थे। इसी बीच सभी लोग डर के मारे जल्दी से नीचे की तरफ भागे। नीचे आकर सबने पाया कि वो आदमी कहीं गायब हो गया था। फिर नानी और मामा जी ने सबसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये सब सुलेमान ने किया है और ठीक वो काला सा आदमी जो कल आकाश को दिखाई दिया था, आज वो हम सबको दिखाई दिया। ठीक उसी ने सुलेमान पर हमला किया तो सुलेमान ने उसे जोर से धक्का दिया था जिससे कि पेड़ की एक डाली भी टूट गई, पर वो आदमी न जाने कहां गायब है। दोस्तों, इसके बाद नानी ने सुलेमान से पूछा, पर सुलेमान काफी देर चुप रहने के बाद उसने बताया कि उसके पिताजी करीम साहब हैं और मैं भी हाफिज़े कुरान पढ़ता हूँ। मेरे अब्बा ने काफी अमाल करे हुए हैं, उनके कब्जे में तो जिन्नात भी हैं। उनके जिन्नात ठीक मेरे ऊपर आते हैं, मेरी हिफाजत करते हैं, इसीलिए मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ। वैसे अब्बा ने मुझे ये सब बात किसी को भी बताने से मना किया हुआ था, लेकिन आप सभी के सामने ऐसे हालात बन गए कि मुझे सब कुछ बताना पड़ रहा है। दोस्तों, इन सब के बाद सुलेमान ने एक गिलास में पानी भरकर अपने कुछ मंत्र पढ़े, फिर वो पानी आकाश को पिलाया तो दूसरे दिन ही उसका बुखार उतर गया, वो एकदम से ठीक हो गया। तब जाकर अरमान ने कहा कि सिर्फ सुलेमान की वजह से हम सबकी दो बार जान बच पाई, एक बार उस रात आम के बाग में और दूसरी बार जब वो शैतान हमारे कमरे में आ गया। दोस्तों, आकाश के ठीक होने के बाद सबके सब वापस आ गए थे, लेकिन उस दिन के बाद से वो लोग कभी वापस उस गांव में नहीं गए। और तो और शुभम को भी 2 साल होने को हैं, लेकिन वो अपनी नानी के घर फिर दोबारा कभी नहीं गया। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी एक जबरदस्त कहानी। आखिरकार ये साबित ही हो गया कि जिस इंसान का दिल ईमानदार और सच्चा हो उसका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, उल्टा ऊपर वाला सदैव उसके साथ रहता है। बस हमें भी इन्हीं की तरह बनना है। बाकी आप क्या कहते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी दूसरी कहानी की तरफ, आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है, मैं बिहार की रहने वाली हूं और आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूं वो मेरी नानी जी के साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब मेरी माँ छोटी हुआ करती थी। एक दिन रात का समय था तो उस समय तकरीबन 1 या 2 बज रहे होंगे। मेरी नानी जी को प्यास लगी तो वो पानी पीने किचन में गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पानी तो खत्म हो चुका था। वैसे मैं बता दूं कि मेरी नानी जी के घर के बगल में एक कुआं था, सभी लोग उस कुएं से पानी भरते थे। जब नानी को किचन में पानी नहीं मिला तो वो उस कुएं से पानी भरने गई और जब नानी जी पानी भर रही थी तभी उन्होंने देखा कि उस कुएं के सामने कुछ ही कदम की दूरी पर एक आम का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे छोटे छोटे साइज के सफेद और चमकीले रंग के दिखने वाली चीज थी, लेकिन मेरी नानी बहुत बहादुर थी। उन्होंने थोड़ी देर वहीं पर रुककर देखा तो पता चला कि वो तो 5 या 6 लोग थे, वो सब आम के पेड़ से आम तोड़ रहे थे। मेरी नानी ने वो सब देखा तो वो घर चली गई और ठीक नाना और उनके भाई को जगा कर ले आई। जब उन लोगों ने कुएं के पास आकर देखा तो आम के पेड़ के पास कोई भी नहीं था। फिर नाना जी ने नानी जी से कहा कि शायद कोई बच्चा होगा, वो आम तोड़कर भाग गया होगा, अभी रात बहुत हो गई है, कल देखते हैं। दोस्तों, फिर अगली सुबह नानी जी ने वहां पर जाकर देखा तो पेड़ से एक भी आम टूटा हुआ नहीं था। आखिर ये सब था क्या? दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि वो सफेद और चमकीली जैसे दिखाई देने वाली चीज आखिरकार क्या हो सकती है, कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही बहुत साल पहले की बात है, एक दिन रात को मेरी नानी रात के 11 बजे वॉशरूम जा रही थी, लेकिन दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, पहले के जमाने में घरों में टॉयलेट नहीं हुआ करते थे तो सभी लोग खेतों या फिर जंगलों में जाया करते थे। ठीक उसी तरह नानी जी भी वॉशरूम के लिए खेत में गई थी।
वो ठीक जैसे ही वहां पर बैठी ही थी कि उन्होंने देखा कि सामने बांस के पेड़ से कुछ अजीब सा दिखाई देने वाला उस पेड़ से काफी तेजी से नीचे उतर रहा था। नानी जी वो सब देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। इसके बाद नानी जी वहां से जल्दी से उठी और काफी तेजी से भागने लगी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो अजीब सा दिखने वाला भी ठीक उनके पीछे आ रहा था, पर तब तक वो अपने घर के अंदर चली गई थी। दोस्तों सच में वो बेहद खौफनाक था। इसी तरह एक बार मेरे भाइयों के साथ भी ऐसी घटना हो चुकी है। मेरे दो भाई हैं, एक का नाम सम्राज तो दूसरे का लक्ष्य है। ये बात 2 साल पहले की है। वो दोनों एक शादी में गए हुए थे और जब रात को दोनों भाई वहां से वापस लौट रहे थे तब उन्हें रोड के बीचों बीच एक रोता हुआ बच्चा दिखाई दिया। तो ठीक सम्राज भैया ने लक्ष्य भैया से कहा कि बिना उस बच्चे पर ध्यान देते हुए चुपचाप घर चलो। फिर लक्ष्य भैया समझ गए थे कि ये कोई छलावा है और वे दोनों शांति से अपने घर की ओर बढ़ने लगे। वो दोनों आगे बढ़े ही थे कि तभी बच्चे की आवाज और ज्यादा तेज हो गई थी। इसके बाद उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वो बच्चा गायब हो चुका था, पर उसके रोने की आवाज अभी भी आ रही थी। ये देखकर दोनों ही बेहद डर गए थे। इसके बाद वो दोनों तेजी से चलने लगे कि तभी उन्हें उस बच्चे की आवाज बेहद ही डरावनी और खौफनाक सी लगने लगी। इसी बीच उन्होंने ये भी देखा कि वो छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ सामने एक तार के पेड़ में घुस गया, जिसके बाद ही तुरंत वो दोनों डर के कारण कांपने लगे और वहां से भागकर सीधा अपने घर आ गए। इसके बाद उन दोनों को कुछ दिन तक काफी तेज बुखार रहा, पर जब हमने घर में पूजा करवाई तो फिर वो दोनों ठीक हो गए। दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आखिर वो कौन था। वैसे दोस्तों इसी तरह मेरे एक भैया और हैं जिनका नाम हैप्पी है। ये बात 8 साल पहले की है। उन दिनों सर्दी का मौसम चल रहा था। हैप्पी भैया और उनके बड़े भैया हिमांशु कोचिंग के लिए जा रहे थे, जिसका समय 6 बजे से था। वैसे आपको तो पता ही होगा कि सर्दियों के मौसम में सुबह 6 बजे काफी अंधेरा हो जाता है। वो दोनों कोचिंग पहुंच गए थे। उस वक्त वो दोनों छत से कुछ लाने के लिए जैसे ही ऊपर पहुंचे ही थे कि तभी उनकी नजर बगल के एक पेड़ पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक औरत जिसके पैर उल्टे थे और उसका पूरा शरीर काला और जला हुआ था, वो जमीन से 2 फीट ऊपर उड़ रही थी। ये सब देखते ही वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए और दौड़ के नीचे भागे। नीचे जाकर उन्होंने अपने टीचर को सारी बात बताई, जिसके बाद उन टीचर ने छुट्टी होते ही उनको उनके घर तक छोड़ दिया था और ठीक सारी बातें उनके घर में भी बता दी थी। वैसे इस घटना के बाद तो उनके घर के लोग उन्हें कोचिंग छोड़ने जाया करते थे। हालांकि इस घटना को 8 साल बीत चुके हैं, परंतु जब भी वो दोनों इस वाक्य को याद करते हैं तो आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाकी मुझे बेहद खुशी है कि मेरे छोटे छोटे किस्से जो कि महेश जी द्वारा आप सबके सामने रखे गए, उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आएंगे। बाकी आपको जो भी ठीक लगे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी कमलेश की भेजी हुई 5 छोटी-छोटी सी कहानियां। आपको इनकी कहानियां कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मैं आपको ले चलता हूं हमारी आज की अगली कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम शिवा है, मैं जमशेदपुर के बिरसा नगर जोन नंबर 6 का रहने वाला हूं और आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो कहानी 7 बहन की है, जिसे हमारे झारखंड में 7 बहुनी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये कहानी जमशेदपुर के सोनारी में स्थित 2 मुहानी नदी की है और ठीक ये कहानी मुझे मेरी वाइफ के भाई ने सुनाई थी। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी शादी से पहले की बात है, उनका बेटा और वो खुद उस 2 मुहानी नदी में नहाने जाया करते थे, लेकिन एक दिन अचानक उनकी तबीयत खराब सी हो गई थी तो वो उस नदी में नहाने के लिए नहीं जा पाए। इसी बीच उन्होंने अपने बेटे को समझाया कि अकेले नदी में मत जाया करो, क्योंकि तुम्हें पता तो होगा कि नदी में 7 बहुनी होती है जो कि कुंवारे लड़कों का शिकार करती है और ये कहीं भी हो सकती है, नदी में, नालों में या तालाबों में। दोस्तों पिताजी की बात सुनकर साहिल अपने पापा की बात मानकर कुछ दिन तक तो नहीं गया, लेकिन एक दिन साहिल ने अपने दोस्त गोलू से कहा कि चल नदी पर नहाने चलते हैं। गोलू भी तुरंत मान गया। दोनों ही बच्चे थे, उन्हें इतनी समझ नहीं थी कि क्या सही है और क्या गलत।
वो दोनों यही लगभग 11 साल के होंगे। वो ठीक नहाने के लिए नदी पर चले गए। नहाते नहाते उन्हें काफी देर हो चुकी थी कि तभी अचानक एक चैन या सीकड़ी कह लीजिए उन दोनों के पैर पर बंध गई थी, जिसने उन दोनों बच्चों को पानी के अंदर डुबा दिया था। तब कुछ लोगों ने उन्हें डूबता हुआ देख लिया था। सभी लोग शोर मचाने लगे और वहां पर भीड़ जमा हो गई। उधर घर न पहुंचने के कारण साहिल के पिताजी ने भी उसे खोजना शुरू कर दिया था, जिसके कारण वो भी नदी के किनारे पहुंच गए थे। वहां पहुंचकर जब उन्होंने भीड़ देखी तो लोगों से पूछा कि इतनी भीड़ क्यों है, क्या हुआ है। तो कुछ लोगों ने बताया कि यहां दो बच्चे नहाते हुए डूब गए। इतना सुनते ही साहिल के पिता के होश उड़ गए थे। उन्होंने तुरंत पूछा कि वो दोनों दिखने में कैसे थे। तब एक आदमी ने कहा कि एक सांवला था और एक गोरा था। उस आदमी की बातें सुनकर साहिल के पिताजी सब समझ गए थे, पर वो रोने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते थे। तब जाकर कुछ लोगों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस के आते ही उन्होंने गोताखोर को बुला लिया और खोज चालू की। इसके बाद गोताखोर बाहर आकर बोले कि ताज्जुब की बात है, इतना गहराई में खोजने के बाद भी डेड बॉडी नहीं मिली। फिर एक घंटा और खोजने के बाद सब चले गए। पुलिस ने कहा कि आगे नदी में हमने जाल डाल दिया है, अगर बॉडी बहकर जाएगी तो उस जाल में फंस जाएगी। दूसरी तरफ साहिल के पिता का रो रोकर बुरा हाल हो चुका था। फिर जब गोलू की माँ को पता चला तो वो तो रोते रोते बेहोश ही हो गई। इन सब के बाद साहिल के पिता एक पंडित जी से मिले और उन्हें सब कुछ बताया। तो उन पंडित जी ने कहा कि उस नदी में सात बोहनी का राज है, अगर कोई उस नदी में डूब गया तो उसको बचा पाना नामुमकिन है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी डेड बॉडी तो मैं पूजा करके एक मिनट में बाहर निकाल दूंगा, वो भी अगर मर गए होंगे तो, नहीं तो फिर आपको 7 दिन तक रुकना होगा। ये सुनकर साहिल के पिता ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी आपको जो बोलना है साफ साफ बोलिए। तब जाकर पंडित जी ने कहा कि सात बहुनी अगर किसी को भी डुबाती है तो 7 सवाल करती है, उसमें बहुत ही सोच समझ कर जवाब देना पड़ता है, और अगर दिमाग से काम नहीं लिया तो समझो आपका खेल खत्म। साहिल के पिता ने तुरंत पूछा, तो पंडित जी अब हमें क्या करना होगा। पंडित जी ने उसके पिता से कहा कि तुम 12 लाल मुर्गे और 10 मछली, कुछ गुलाब जामुन, 7 कांस की थाली लाने होंगे, तब फिर मैं कुछ करता हूँ। जैसे तैसे करके साहिल के पिता ने पंडित जी के बताए अनुसार वो सारा सामान उन्हें लाकर दिया। फिर जाकर पंडित जी ने पूजा की और बताया कि अभी तुम्हारे बेटे मरे नहीं है, वो जिंदा है, उन्हें कुछ भी हो सकता है, पर अब मैं इसके आगे नहीं देख सकता। इतना कहकर उन्होंने वो सारी चीजें नदी में डाल दी। देखते ही देखते 7 दिन बीत गए थे। अब तो पुलिस ने भी हार मान ली थी, लेकिन 8वें दिन उन दोनों की बॉडी नदी की दूसरी तरफ मिली। उनकी बॉडी को एक मछुआरे ने देखा था तो उसने तुरंत पुलिस को फोन करके बुलाया। पुलिस ने जब उनकी बॉडी को देखा तो वो तो दंग रह गए थे, क्योंकि वे दोनों ही जिंदा थे। दोनों को तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। वहां पर ठीक होने के बाद वो कुछ बोलने के लायक ही नहीं थे, इसीलिए पुलिस ने भी उन पर ज्यादा प्रेशर नहीं डाला और उन्हें उनके घर छोड़ दिया। जब घर वालों को मालूम चला तो सबके सब चौंक गए कि ये कैसे हो सकता है। फिर पंडित जी ने झाड़ा लगाया तो वो दोनों बच्चे ठीक हो गए। तब जाकर उन बच्चों से सवाल पूछा कि तुम लोग आखिर कैसे बच गए। तो गोलू ने जवाब दिया कि जब हमें डुबाया गया तो तब हम एक महल के अंदर थे, जहां पानी की एक बूंद भी नहीं गिर रही थी। इसी बीच हमने देखा कि 7 बहनें एक साथ बैठी थी और हमें एक जंजीर में बांध दिया गया था। उन्होंने हमसे पूछा कि तुम किससे शादी करोगे। उनमें सबसे बड़ी बहन बहुत ही सुंदर थी और छोटी बहन सबसे काली और डरावनी थी। उन्हें देखकर हम दोनों काफी ज्यादा डर गए थे, हमारे मुंह से तो आवाज तक नहीं निकल रही थी। उन्होंने हमसे पूरे 7 सवाल किए थे, वो भी 7 दिन तक। हमने तो 7 दिन तक कुछ बोला ही नहीं, हम बिल्कुल चुप हो गए थे। जिसके बाद 8वें दिन उन्होंने हमें बाहर फेंक दिया, लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि तुम लोग पहले हो जो यहाँ से जिंदा बाहर जा रहे हो, और वैसे भी तुम्हारे बाहर जाने के बाद कोई भी तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेगा। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी शिवा की भेजी हुई एक अनोखी कहानी। आपको क्या लगता है,
क्या आपने इस कहानी के बारे में कहीं पर सुना है? क्या इस कहानी में जरा सी भी सच्चाई है? अगर ऐसा कुछ भी है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सिकंदर है और आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे दादाजी के एक जानकार ने उन्हें बताई थी, जो कि मेरे दादाजी का मित्र था। वैसे वो एक तांत्रिक भी था। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली कहानियों में भी बताया है कि मेरे दादाजी लोगों के भूत प्रेत उतारा करते थे। इसी के चलते मेरे दादाजी के पास कई सारे लोग आते थे, हर समय भीड़ लगी रहती थी, जो कि अपनी समस्या का समाधान निकलवाने के लिए मेरे दादाजी के पास आते थे। वैसे दोस्तों, ये कहानी काफी पुरानी है। मेरे दादाजी को गुजरे आज 20 साल हो चुके हैं और तो और इस कहानी को तकरीबन 70 साल बीत गए हैं। एक दिन मेरे दादाजी के मित्र ने उन्हें बताया कि एक बार वो अपने किसी रिश्तेदार की बेटी की शादी में गए थे। उनके रिश्तेदारों का घर किसी दूसरे गांव में था। ठीक उस जमाने में जंगल भी काफी घने हुआ करते थे। शादी के बाद जब वो अपने घर के लिए लौट रहे थे तो शाम भी होने को थी। उनके रिश्तेदार ने उन्हें अगली सुबह जाने के लिए कहा, लेकिन मेरे दादाजी के मित्र ने उनकी एक ना सुनी। वो शाम को ही घर की ओर चल पड़े। दोस्तों, उस जमाने में लाइट का कुछ खास इंतजाम नहीं हुआ करता था। वैसे भी गांव में लाइट होती भी नहीं थी। इसी कारण उस समय शाम के 5 बजते ही हल्का अंधेरा छा जाया करता था। ठीक दादाजी के मित्र को कोई तांगे वाला नहीं मिला तो वो पैदल ही जंगल के रास्ते से होते हुए निकल गए। वो जंगल के रास्ते पर चल रहे थे कि अचानक उन्हें कुछ ही दूरी से कोई आवाज उनके कानों में सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि शादी के माहौल से आ रहा हूं, शायद इसीलिए उसी का ख्याल आ रहा है। खैर, कुछ दूर और आगे बढ़ने के बाद वही आवाजें उन्हें दोबारा सुनाई देने लगी, जैसे कि कोई नाच गाने का संगीत चल रहा हो। पर इस बार वो समझ गए थे कि ये उनका वहम नहीं है और वो उन्हीं आवाजों की तरफ बढ़ने लगे। चलते चलते उन्होंने देखा कि घने जंगल के बीचों बीच कुछ लोग जश्न मना रहे हैं। वो लोग नाच गा रहे थे और मिठाइयां भी बांट रहे थे। उस वक्त वो ये सोचने लगे कि इतनी रात को कोई इंसान इस जंगल के बीचों बीच इस तरह का प्रोग्राम आखिर क्यों रखेगा। यही सोचकर वो जिस शक्ति को पूजते थे उन्होंने उनका ध्यान किया तो उनकी देवी ने उनके कान में बताया कि ये सब प्रेत है और उन्होंने तुम्हें देख लिया है। अगर तुम यहां से भागे तब भी वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर उन्होंने उस देवी से अपने आप को बचाने का उपाय पूछा तो देवी ने उनके कान में ही कहा कि तुम भी उनकी खुशी में शामिल हो जाओ और याद रहे अपने सभी वस्त्र उतार देना। दोस्तों, उन्होंने फिर वैसा ही किया। उन्होंने अपने सभी कपड़े उतार कर एक झाड़ी पर टांग दिए और ठीक उनकी तरफ जाने लगे, लेकिन उन प्रेतों ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन प्रेतों की पार्टी में जाकर वो एक झाड़ के पास बैठ गए। हालांकि उन्हें डर तो लग रहा था, लेकिन वो अपने डर पर काबू पा रहे थे। वो मन ही मन अपनी देवी का नाम जप रहे थे। उनमें से कुछ प्रेत दादाजी के मित्र के पास आकर उन्हें घूरने लगे। ये देखकर तो वो बहुत ज्यादा डर गए, लेकिन उन्होंने डर को उन प्रेतों के सामने जाहिर नहीं होने दिया। वो उनकी तरफ देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। उन्हें ऐसा चुपचाप बैठा देखकर सभी प्रेत बोलने लगे कि ये तो हमारी ही बिरादरी का है। ये जानकर वो सभी खुश होने लगे। मेरे दादाजी के मित्र सारी रात वहीं बैठकर उन प्रेतों का नाच गाना देख रहे थे। वो लोग काफी डरावनी सी आवाज में कुछ गा रहे थे और काफी अजीब सा डांस कर रहे थे। इतने में कुछ प्रेत उनके पास आए और उन्हें मिठाई देने लगे। उन्हें ना चाहते हुए भी वो मिठाई लेनी पड़ी। मिठाई देने के बाद सभी प्रेत उनकी तरफ गौर से देखने लगे। ये देखकर वो थोड़ा घबरा गए और मिठाई खाने लगे। उन्हें मिठाई खाता देख सभी प्रेत खुश हुए और फिर से यही बोलने लगे कि ये हमारे ही बिरादरी का है। इसी बीच उन्होंने एक बात नोट की कि सभी प्रेत कुछ गुनगुने थे, मतलब कि सभी नाक से बोलते थे। वो यही सब देखते रहे और मिठाई खाते रहे। वैसे वो मिठाई खाने में उन्हें बिल्कुल भी अलग नहीं लगी, वो मिठाई बिल्कुल ताजी थी। इसी बीच उन्होंने देखा कि सभी प्रेत आसपास की झाड़ियों और पेड़ों में छलांग लगा रहे थे। देखते ही देखते एक के बाद एक गायब होते जा रहे थे।
धीरे धीरे सभी प्रेत गायब हो गए। जहां कुछ समय पहले तक इतनी ज्यादा भीड़ थी, वहीं पर अब सन्नाटा पसर गया था। ये सब देखकर दादाजी के मित्र को कुछ राहत सी मिली, लेकिन कुछ मिठाइयां उनके पास अभी भी बची हुई थी। वो चुपचाप वहां से उठे और उस झाड़ी के पास जाने लगे जहां पर उन्होंने अपने कपड़े रखे हुए थे। उन्होंने अपने कपड़े पहने और बची हुई मिठाई, जो कि लड्डू थे, उसे उन्होंने अपने कुर्ते की साइड की जेब में डाल दिए और सोचा कि ये मिठाई घर जाकर खाऊंगा। लेकिन उनके मन में ये बात हैरानी कर रही थी कि वो सभी अचानक कहां चले गए। यही जानने के लिए उन्होंने अपनी सिद्ध की हुई देवी से पूछा तो उनके कान में देवी ने बताया कि सुबह के 4 बज गए हैं और ये उनके वापस जाने का समय होता है। यही सब उन्होंने दादाजी को बताया कि वो जंगल पार करने के बाद जैसे तैसे घर पहुंचे। आधा दिन बीत चुका था। उन्होंने अपने साथ बीती घटना को सभी गांव वालों को बताया और सबूत के तौर पर मिठाई दिखाने लगे। परंतु जैसे ही उन्होंने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला तो देखा कि मिठाई की जगह उनकी जेब मल से भरी हुई थी, एक तरह की गंदगी। ये देखकर गांव वालों ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। पर तभी गांव के एक बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम बच गए, क्योंकि उस जंगल में जो भी रात के समय जाता है वो प्रेत उसे बहुत बुरी तरह से मार देते हैं। हालांकि तुम एक समझदार आदमी हो, इसीलिए तुम वहां से बचकर लौट आए हो। अगर इस बीच कोई अनजान होता तो उसकी मौत एक रहस्य बन जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी सिकंदर की कहानी। वैसे इनकी कहानी भी काफी लाजवाब थी, पर आपको क्या लगता है, हमारी आज की कहानियां अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो कहानियों को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं जल्द मिलूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमय कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय।